नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिन्होंने छत्तीसगढ़ को एक केंद्र स्तर पर नई पहचान दी और छत्तीसगढ़ को एक अलग एक भूपेश मॉडल करके प्रस्तुत किया, जिस मॉडल को आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उसे अपनाने जा रहे हैं। भूपेश बघेल की बात करें तो गाइस इन्होंने जिस तरह की राजनीति छत्तीसगढ़ में की है शायद और अलग राज्यों में कांग्रेस ने इस राजनीति नहीं कर पाई है, जिसके वजह से भूपेश बघेल एक सक्सेसफुल मॉडल के नाम पर प्रस्तुत हुआ। जिस तरह से इन्होंने बीजेपी को कड़ी शिकस्त दी है वो एक केंद्र के मॉडल को अपना कर एक नया पहचान दिया है, जो शायद बीजेपी भी छत्तीसगढ़ में अपने पुराने राज्यों की तरह नहीं कर पाई है। बात करें इनके काम को दोस्तों, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के अधिकतर जनसंख्या वाले किसानों को टारगेट किया, जिनके समर्थन मूल्य धान का 1800 था उसे 2600 कर का एक उपलब्धि हासिल की बहुत बड़ी, तो किसानों को काफ़ी राज भी आई। इस चीज़ को देखते हुए ज़्यादातर लोगों ने उसके ओर आकर्षित हुए और ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपना समर्थन प्रदान किए। वैसे भूपेश ने अपनी अगली घोषणा पत्र में तो यहाँ तक 20 क्विंटल तक के धान खरीदने की भी बात कर डाली है, जो पहले 14 क्विंटल से था। इस तरह से इन्होंने छत्तीसगढ़ के किसानों को एक बार और आकर्षित किया है और उनके रवैया को और बदला है और अपने प्रति और एक निष्ठा प्रस्तुत किया है, जिसके वजह से लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अगली पंचवर्षीय में और ज़्यादा इसको कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, जिसके वजह से भूपेश बघेल और काफ़ी लोकप्रियता बढ़ रही है। इन्होंने युवाओं की ओर भी ध्यान देने की कोशिश की है, जिसके लिए इन्होंने बेरोजगारी भत्ता स्टार्ट किया है, जिसमें से 2 वर्ष पुराने पंजीकृत 12th पास जो है उन लोगों को 2500 रुपये महीने तक के बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, जिसके वजह से एक और जब किसानों को टारगेट किया गया था तो उनके एक युवाओं से पिछड़ रहा था गवर्नमेंट जॉब की वजह से, जो जिसके वजह युवाएं काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी एक राहत उत्पन्न करके उन्होंने एक तरफ युवाओं का समर्थन भी हासिल किया है, जिसके वजह से काफ़ी भूपेश को एक समर्थन मिला है, जिसके वजह से उसके और विपक्ष और कमज़ोर होते गया है और कांग्रेस और लोकप्रिय होते जा रहा है। जिस वजह से देखा जा सके तो 2022-23 का जो चुनाव है, 23-24 का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन और सीट प्राप्त करने के आकलन छत्तीसगढ़ में फिर से लगाया जा रहा है। तो दोस्तों इन्होंने दूसरी सबसे बड़ी चीज़ एक और की है, जिसमें से है नरवा गुरवा बाड़ी जो योजना चलाया गया है, जिसमें काफ़ी रोजगार का अवसर प्रदान किया गया, जिसके वजह से काफ़ी गाँवों में गौठान और गोबर खरीदी किया गया, जिसमें से गोबर को 2 रुपये किलो तक के खरीदा जा रहा है, जिसमें से गाँव में कई महिलाओं को कई युवाओं को भी एक रोजगार का अवसर प्रदान हुआ है और काफ़ी हद तक गाँव को एक डेवलपमेंट की ओर विकसित के लिए एक नया दिशा दिया गया है, जिसके वजह से लोग उसे और काफ़ी लोकप्रिय हुए, उसे पसंद करते गए। इन्होंने सफाई अभियान के लिए भी एक मोटर चालक भी दिया है, जिसमें 10,000 तक के उसको चलाने वाले को और बाकी जो उसमें सफाई कर्मियों को भी 2,000 रुपये तक के देने की घोषणा की है और इसमें कई गांव में लागू हो चुका है, ग्राउंड लेवल में काम चालू हो चुका है, कई जगह ये बाकी है जिसके वजह से कई लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, लेकिन ये जल्द से जल्द ग्राउंड लेवल में होने वाला है, जो हो भी रहा है, जिसके वजह से कांग्रेस को एक बड़ी लोकप्रियता तो मिली है। तो दोस्तों भूपेश की जिस सफलता के एक और कारण हम ये बोल सकते हैं कि जिस तरह से केंद्र स्तर पर बीजेपी ने कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं छोड़ा है चुनाव जीतने के लिए, जिस तरह से एक हावी दिखाई पड़ती है बीजेपी केंद्र में, उसी प्रकार राज्य में भी भूपेश बघेल ने केंद्र के मॉडल को अपनाते हुए राज्य में अपोजिशन बीजेपी के लिए कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ा है, ऐसा कोई भी मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता जिसे बीजेपी रमन सरकार से उठा सके और उसे दबा सके, कोई भी वोट बैंक के इतने का कोई भी इनके पास चारा दिखाई नहीं देता, क्योंकि हर मुद्दा जो केंद्र के मुद्दा है वो तो कांग्रेस में होते हुए भी वो भूपेश कर रही है, अगर किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए, सभी प्रकार की योजना कांग्रेस दे रही है और बहुत सारा जो घोषणा कर चुके हैं, जिसके वजह से विपक्ष के लिए कोई योजना या मुद्दा बच ही नहीं पा रहा है, पूरा केंद्र का मॉडल अपनाया जा रहा है। तो इस तरह से देखा जा सके बीजेपी बैकफुट में पूरे दिखाई दे रही है, अगर राज्य की बात करें तो जिस तरह से बीजेपी अलग अलग राज्यों में जो दमखम दिखाती है वो आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाती, मोदी सरकार जिस तरह से प्रचार चुनाव प्रचार जो बाकी राज्यों में करते वो छत्तीसगढ़ में नहीं करते, तो उनको भी पता है जिस तरह के मुद्दा राज्य सरकार भूपेश सरकार उठा रही है वो शायद कांग्रेस भी अलग अलग राज्यों में नहीं उठा पा रही है, उनको भी पता है कि यहाँ पाना, यहाँ 90 में से 70+ सीट जो भूपेश के पास है वो कोई
आम बात नहीं है, जिसे शिकस्त देना काफी मुश्किल है बीजेपी के लिए, जिसके वजह से केंद्र की बीजेपी भी यहाँ पास भी कुछ टारगेट नहीं कर रही है, दमन सरकार कोई साथ नहीं दिया जा रहा है। अब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी अभी जी चुनाव जीत ही नहीं सकती, कांग्रेस एकदम एक तरफा है, देश से एक तरफा ही जीत ही जाएगा, ऐसा कोई चारा नहीं बचा जो रमन सरकार कुछ कर नहीं पाएगी, ऐसा भी नहीं है गाइस। ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट है, ऐसे ऐसे कई जगह है यहाँ कोई कमज़ोर कड़ी है कांग्रेस की, जो मुझे भी दिखाई देती है और बहुत सारे लोगों को भी दिखाई देती है, जो है रमन सरकार के पास जिसको उठाकर, कुछ मुद्दे हैं जिसे उठाकर वो जीत सकते हैं। तो गाइस अगर आपको लगता है कि वो मुद्दे आपको जानना चाहिए तो इसके लिए एक अलग वीडियो चाहिए, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं रमन सरकार के लिए कि रमन कौन से मुद्दे जो उठाकर कांग्रेस को बैकफुट में ढकेल सकता है, उसके लिए एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करेगा, इसमें बिल्कुल उस वीडियो को बनाऊंगा। थैंक यू गाइस।